آج ہم آپ سے شیئر کریں گے ایک پرنور سفر کے مناظر اور واقعات۔ وہ جگہ جہاں پر انہوں نے اپنے دن رات گزارے، جہاں پر نبی آخر الزمان ساکیہ کو سرتاج دار مدینہ نہ صرف خود آیا کرتے تھے بلکہ ان کی ازواج مطہرات اور خصوصاً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے کھانا لے کر بار دن میں یہاں پر آتی تھی۔
वो नीचे से हमने पैदल सफर शुरू किया। मंजिल की जानिब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ कैमरे के पीछे हैं जवाद। जी जवाद, मदीना जैसे मुसलमान पहली ख्वाहिश ये होती है कि हर मुसलमान यहाँ पर आए, यहाँ का विजिट करें, हज उमरा करें। बुनियादी ख्वाहिश होती है, इसके लिए अक्सर लोग पाकिस्तान में जिंदगी भर कमाते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं। मैं हम लोग की अल्लाह ताला ने रहमत की हम लोगों पर, और हमारी खुशनसीबी है जो हम आज इस मकाम पर मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमने उमरा भी किया, बेटी की ज़्यारत की, मदीना मुनव्वरा गए। अल्लाह का शुक्र है, आज हम हमारे हरा की ज़्यारत करने के लिए आए हैं। कि आपको चट्टानों पे कुछ नाम लिखे नज़र आ रहे हैं। हम मक्का में जाएं, अरफात में जाएं, लाइबेरिया में जाएं, हम न्यूयॉर्क में जाएं, लंदन में जाएं, जहाँ भी जाएं, हम पाकिस्तानी अपनी कोई ना कोई शनाख्त कहीं पे छोड़ आते हैं। और दिस इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि आपको और मैं नीचे से ऊपर चढ़ा, हर सीढ़ी पे मुझे किसी ना किसी पाकिस्तानी का नाम, चकवाल, मरदान, एबटाबाद, मानसेरा, कहीं ना कहीं का कोई बंदा उसका नाम नज़र आया। और उसके साथ साथ मस्जिद हरम के मीनार, वो मीनार जिनको देखने की तड़प हर मुसलमान के दिल में होती है, क्योंकि ये वो मंबा है, वो मेवर है, वो बरकत है, जहाँ से इस्लाम की वो किरणें, आफा की मतलब उसकी वो किरणें सारी दुनिया में फैली। और आज हम मुसलमान हैं, कलमा तैयबा का विद कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो वो यहीं से वो मैसेज पैगाम था, और उसका असल मेवर कुछ देर में हम आपको दिखाएँगे। हार हीरा के सफ़र काफ़ी कठिन है, मगर हमारा अल्लाह का शुक्र है, जोश जज्बा हौसला इतना है कि ये सफ़र कुछ भी नहीं लग रहा। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, हमारे साथ हज़रात से बात करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम भाई जान, आइए आइए। मुझे हैं हमारे साथ और मरदान से हमारे साथ आए हैं, ये यहाँ पर उमरा करने हुए आए हुए पाकिस्तान से। मुझे आप उमरा करने के लिए आए, अल्लाह पाक ने आपको हमें घर पर बुलाया, बेशक। कैसा फील करते हैं, इंसान की क्या फीलिंग्स होती हैं जब उसको बुलावे का कंफर्मेशन मिलती है कि आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने घर की, सच्चाई फील होता है। इधर देखिए, अल्लाह तबारक व तआला किसी को तो अपने घर पे नहीं बुलाता, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। कि हम जो अब यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो आपको एहसास होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी हार्डशिप्स बर्दाश्त की। नहीं, यहाँ वहाँ पहुँचने से पहले आधे रास्ते में मैं सोच रहा हूँ वो मक्कतुल मौजमा से यहाँ तक आते थे, जब तो रोड नहीं थे, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, कोई जरिया नहीं था, वो आते थे। हम तो यहाँ से ऊपर चढ़ने में 25 बार बढ़ जाते। नाज़रीन, पहाड़ी चढ़ने के बाद चंद 2 से 4 मीटर नीचे आपको हर हेरा वो घर नज़र आ रही है, जो बड़ी चट्टानों के दरमियान मौजूद है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग 2 रकत नवाज नफल शुक्राना अदा करने के लिए कतार अंदर कतार लगे हुए हैं, और हर एक की ख्वाहिश है कि वो यहाँ पर नवाफिल शुक्राना अदा कर सके। और किबला आपके बिल्कुल सामने आपको मक्का टावर गाइड करेगा, और साथ में आपको हरम के मीनार भी नजर आएंगे कि इस जानब किबला का रुख है, और साथ में खूबसूरत ये मक्का का शहर, और ये पहाड़ियाँ पथरीली चट्टानें आप देख सकते हैं। और इनको देख के हमें सबक सीखना चाहिए, और हमारी ज़िंदगियों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की सरफराजी होना चाहिए। की मौजूद मकान मकान सलाम आप मौजूद सलात मोहम्मद मकान सलाम आप मौजूद हुआ काबिल तकलीक दर रोक वा बशुक अलेरो या बिना फजूल।